गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं न्यू लॉ वैकेंसीज़ की। ये फ्रेशर के लिए आई है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं गई है। टोटल 45 पोस्ट हैं। अब देख लीजिए पोस्ट है कहाँ पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। पोस्ट जो है एमपी ने निकाला है और पोस्ट का नाम है जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर। जूनियर वेट अ मिनट, हाँ जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर। ये पोस्ट निकली थी 18 तारीख को, तो 2 दिन हो गए हैं इनको निकले हुए। 18 सितंबर स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन स्टार्ट होने की और 30 सितंबर को ये क्लोज़ हो जाएगी। तो 15 डेज हैं, आप जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है? एज यू नो ट्रांसलेटर की जॉब है, ट्रांसलेटर की पोस्टिंग होती है हाई कोर्ट्स में। इनका काम होता है जो भी कॉपी आई है उनको ट्रांसलेट करके पहुंचाना। दो दो सेगमेंट्स में पेपर होगा, प्री होगा और आपका मेंस होगा। प्री भी आपका 100 मार्क्स का होगा और मेंस भी आपका 100 मार्क्स का होगा। दोनों आपको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ना लॉ का इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपकी इंग्लिश हिंदी एंड कंप्यूटर में अच्छी कमांड होनी चाहिए। हम स्कीम बता देंगे आगे चलिए कि पूछा क्या क्या जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगा। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी कि कैसा पेपर आता है। लास्ट ईयर का जब आप एग्ज़ाम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी पोस्ट है। ओके, अब देखिए कि टोटल पोस्ट हैं 45 पोस्ट हैं, जिसमें से 23 हैं अनरिजर्व के लिए और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए हैं। तो यहाँ तो जो अदर स्टेट वाले लोग हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात, एमपी में ना जैसे एडीपीओ में ना डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट मांग ली थी, बट इस पोस्ट के लिए कोई डोमिसाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर के भी हैं तो भी आप आराम से भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। पोस्ट का नाम है हाई कोर्ट एमपी ने निकाला है, ठीक है, और ट्रांसलेटर की पोस्ट है। इसके लिए चाहिए क्या क्या, अब ये देखिए एजुकेशन जो चाहिए या टेक्निकल जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोग ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपको इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस आता है इसमें। 18 to 35 वाले भर सकते हैं, तो जो भी इस क्राइटेरिया के बीच में आते हैं वो भर सकते हैं। और एज काउंटिंग होगा 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। रिजर्वेशन सिर्फ जब आप देखेंगे जो रिजर्व कैटेगरी है वो सिर्फ एमपी के लोगों को मिलेगा, एमपी के ही एससी एसटीज और ओबीसीज को मिलेगा। इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे कि क्या क्या चाहिए, तो भारत का नागरिक होना आपका ज़रूरी है, ठीक है, और एक ही शादी की हो, दो दो मैरिज वाले या जिनका लिविंग स्पाउस है वो अप्लाई नहीं कर सकते। 26 जनवरी 2001 के बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल है, ये इतना हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की जो बात है वो आ जाती है अब आगे की फ़ीस कितना लगेगा। फ़ीस अनरिजर्व वालों के लिए अप्रॉक्स 950 लगा लीजिए, और जो वहाँ के लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं वो एमपी के लोग वो 750 है, ठीक है। तो ज़्यादा फीस भी नहीं है, आप इसको भर सकते हैं आराम से। अब आ जाइए प्री, प्री में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। जो जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर है इसके लिए ना बेसिक आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा 40 मार्क्स का, ठीक है। हिंदी पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, और जो कंप्यूटर नॉलेज होगा वो 20 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज आएगा 10 मार्क्स का। तो इसमें आएगा इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी और मैगजीम्स। मैगजीम्स के मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, जब आप देखेंगे तो पूछे जाएंगे। हिंदी में भी सिंपल आपका व्याकरण पूछा जाएगा और थोड़ा बहुत ना लॉ से रिलेटेड आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उनका मीनिंग आना चाहिए। अब रह गया कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एमपी में भी कंप्यूटर आता है। आप इसके ना कहीं से भी कोई भी बुक ले आइए, उसके अगर आप 1000 या 500 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपके ये वाले क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। तो इसकी इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से हो जाता है। ओके, तो जैसे 45 पोस्ट हैं तो इसके 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और है कि जो भी होगा
गुना बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे। साथ में एक चीज़ ये भी है कि मिनिमम आपको लेना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम 55% आपको लेना होता है जो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, एंड 50% जो वहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है। तो मतलब 100 में से मिनिमम 55% तो आपको लेना ही है, इसके ऊपर फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, जो भी होगा वही आपका स्कोर कार्ड बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। फिर आ जाती है आपकी मेंस का, मेंस का एग्ज़ाम भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा, जैसे प्री का था 2 आवर का और 2 घंटे का पेपर होगा, और ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें ना आपको जो भी आंसर होगा आपका लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसलेशन आएगी 40 मार्क्स की, जो कि हिंदी टू इंग्लिश होगी, और एक आएगी इंग्लिश टू हिंदी 20 मार्क्स की। वो कैब पूछी जाएगी आपसे, और थोड़ा बहुत आपसे टर्म्स पूछे जाएंगे, और वही कंप्यूटर का 20 मार्क्स का, ये आपका मेंस होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा। सिंपल है, ज़्यादा कोई वो दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें मिनिमम मार्क्स लेना ज़रूरी था, यहाँ पे भी मिनिमम 50 मार्क्स लेना है, 50% मार्क्स लेना है जो अनरिजर्व के हैं, और जो 45 लेना है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो फाइनल रिजल्ट बनेगा आपका, फाइनल रिजल्ट बनेगा आपके मेंस के स्कोर के हिसाब से। तो प्री में आपने जितना भी लिया होगा वो मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा आपको मेंस के लिए, एंड जो मेंस का स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको ना एक बार ये दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम होता कैसे है। क्योंकि अगर आप प्री के क्वेश्चन देख लोगे ना एक बार, तो आपसे ये हो जाएगा कि हाँ भाई मैं इसको दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत प्रेशियस है। तो सोच समझ के अपना नोटिफिकेशन भरेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आपका प्री का पेपर होता है वो देखिए, हाँ 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में MP ने ही लिया था। तो उसका ये एक मॉडल पेपर है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए शुरू के 40 क्वेश्चन यहाँ से लेके, और 40 क्वेश्चन आपके दिए होंगे इंग्लिश के, ठीक है यहाँ तक, हाँ फिर 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के, और फिर 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के। अब देखिए आपका पेपर देखिए कैसा पूछा गया, बहुत इजी एग्ज़ाम आता है, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आपका थोड़ा सा भी इंग्लिश पे कमांड है ना, तो आप आराम से कर जाएंगे। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन चारों में से कौन सा है, तो आप देखिए क्राउड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये आपसे वोकैब पूछी गई है, जो मैरिज को हेट करता है उसको क्या कहते हैं, मिज़ोगैमिस्ट, ठीक है सेकंड ऑप्शन आपका। और आपसे पूछे गए हैं, जैसे आप देखेंगे ना तो बहुत ईजी ईजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा ना कुछ भी इसमें है नहीं। जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल पूछे गए हैं, तो आपको पता है आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल हो गए an, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो आपसे पूछा गया है कि इनडेफिनेट आर्टिकल के टाइप्स बताइए, तो सिंपल है ए फ्रॉग जंप। अब आपको बताना है ये कि जंप करेगा, तो ये फिल करना है यहाँ पे, फ्रॉग ने जंप किया इनटू द पॉन्ड, है ना, बहुत सिंपल है, 10th के लेवल का इंग्लिश आराम से कर सकते हैं। प्लेथोरा का आपसे एंटोनियम पूछा, तो इजीली बता सकते हैं किटी, ठीक है सिंपल है। हेटर ऑफ वुमेन, मिज़ोजिनिस, ठीक है। अब आ जाइए आप हिंदी के एग्जाम पे, हिंदी भी बहुत आसान है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए, सही वाक्य चुनिए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, मेरे से मत पूछो, मेरे को मत पूछो, मुझे मत पूछो, सबको पता है मुझसे मत पूछो आंसर बनेगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको आता होगा, ठीक है। जैसे ऊपर देखिए, पवन में संधि विच्छेद, जिन भी लोगों ने संधि किया होगा उनको आता होगा, ठीक है। प जमा अवन नहीं होता, प जमा वन नहीं होता, पो जमा अन नहीं होता, नियम पढ़ने पड़ते हैं हमें, ओ की मात्रा प्लस व जुड़ के, सॉरी ओ की मात्रा प्लस अ जुड़ के बनाते हैं व, तो ये नियम होते हैं संधि के। जब अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ओ और ये जुड़ के यहाँ पे बना व, तो पवन, ठीक है। तो बहुत इजीली आप बना लेंगे, बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे आप, धीरे 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 हिंदी करेंगे तो इजीली हो जाएगा। जिन लोगों का हिंदी
यहाँ पे अच्छा होगा, जैसे गरीबी में शब्द संज्ञा बताइए, तो गरीबी में शब्द संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं, तो जिसको पता होगा वो लगा देगा, बस यही आएगा। जैसे अब इसमें पूछा न्यायाधीश से आपका क्या आशय है, न्यायाधीश से जो सिविल कोर्ट में बैठते हैं वो मध्यस्थ होते हैं वो, या फिर किसी अधिकरण का पीठासीन या अधिकारी। एक और तो आप सबको पता है जो सिविल कोर्ट्स में बैठते हैं वो होते हैं न्यायाधीश। सिंपल इस तरीके का आपका एग्जाम होगा और आप आराम से कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर में ना थोड़ा बहुत जैसे आपको एब्रीवेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, 1-1.5 पेज की होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लीजिए कि मैक्स 200 एब्रीवेशन कंप्यूटर से रिलेटेड आप कर लेंगे तो उसमें से आपका एब्रीवेशन निकल जाएगा, ठीक है। और फिर आते हैं जैसे ये कमांड होती हैं, कमांड भी लिमिटेड ही कमांड होती है, कंट्रोल प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो अगर आप करेंगे ना बहुत ईजीली आप इसको क्रैक कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे 1 KB में कितना होता है सबको पता है ना, तो KB, MB, GB, TB, ये सारा डाटा के ऊपर बात है। किसने माउस इन्वेंट किया था, थोड़े से इन्वेंटर आप पढ़ लेना, 20 क्वेश्चन होंगे, बहुत आराम से निकल जाएंगे, बहुत आराम से। कंप्यूटर लैंग्वेज जो इंटरनेट यूज़ करता है, तो जावा सबने सुना होगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा आपका पेपर। जीके के क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे जीके में बहुत आसान आसान, भीमराव अंबेडकर का बर्थ प्लेस पूछ रखा है आपसे, ठीक है, 53 डिस्ट्रिक्ट एमपी की, थोड़ा सा ना आपको एमपी लोकल जीके भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। बैटल ऑफ पानीपत के लिए पूछा गया, देखिए बाबर और लोधी के बीच में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, थोड़ा सा हिस्ट्री आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एमपी के एस्टेब्लिश होने के बाद कौन बने थे, एम हिदायतुल्ला। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे। तो बढ़िया पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग सबको अप्लाई करना चाहिए जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है। देखिए जब आप लैंग्वेज की तैयारी करते हैं ना तो इसके चेक हो जाएगा आपका, ठीक है, और पेपर एमपी में ही होगा, तो अपना सेंटर आप उसके अकॉर्डिंग भरिएगा, क्योंकि एमपी जुडिशरी तो क्या करता है कि हर स्टेट का अलग अलग ले लेता है, लेकिन ये पेपर एमपी में ही होगा, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो अलग अलग सेंटर अलग अलग सिटीज़ में बना दिए जाएंगे, वरना नोटिफिकेशन में तो लिख रखा है कि जबलपुर में ही आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, ये फ्रेश लो पोस्ट है, 45 पोस्ट है, आप भर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।